तो हम लोग घर से निकल चुके थे, ये हमारा बैग था, हम लोग रेडी हो चुके थे और टिकट निकाल रही थी मैं। और उसके बाद हम लोग पहले गए साइन, साइन से हम लोग ने रिक्शा की थी साइन उतर के बांद्रा टर्मिनल के लिए। अरे मम्मी और मैं, हमारी एक्साइटमेंट हम हमारे चेहरे पे अच्छे से देख सकते हैं कि हम लोग कितने खुश और कितने एक्साइटेड हैं। हम लोग ने शेयरिंग रिक्शा की थी जिसका हम लोग को 100 रुपया हुआ था, 50-50 पर पर्सन का, बट ठीक है। और ट्रैफिक इतना नड़ा ना वहाँ पे, ट्रैफिक बहुत नड़ा। और ये हमारी ट्रेन नहीं है, हम लोग को थोड़ा डर लग गया था, हमें ट्रेन छूट तो नहीं गई, जा तो नहीं थी, बट ये हमारी ट्रेन नहीं है, ये दूसरी ट्रेन थी कोई। बहुत ही एक्साइटमेंट लेवल हाई था हम दोनों का। से बैठे मुश्किल से, तो मम्मी को चैन नहीं पड़ेगा जब तक तो कोई आके कंफर्म नहीं करेगा ना, हाँ हम है बराबर है आप लोग, तो मम्मी को चैन नहीं पड़ेगा। गाड़ी आ गई है पर दिख रहा है आ गई है ये गाड़ी, और हम लोग अभी S5 गई है, S2 शायद आता ही होगा, हम लोग सही जगह पे हैं। सच बताऊँ गाड़ी है ना, हाँ मेरे को नहीं पता, जाओ वो आदमी से पूछो उधर बैठा है ना, वो उसको तुम पूछो तो बराबर बताएगा, वो बोलेगा अपना रास्ता ना। F7 आ रहा है तो अपना उधर आएगा, अपना F2 है ना, S2 है अपना, अपना और उधर है, और वो लगेगा ना अभी B3 कन्फ्यूजन है, देख बी है ना अभी लगेगा, मम्मी टाइम है, थोड़ा लगेगा टाइम है गाड़ी को, अभी आएंगे सब लोग धीरे धीरे करके। मैं फ़ोन लगाती हूँ अभी सबको कि सब लोग कहाँ पर है क्या है तो पता चल जाएगा, और मम्मी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसको ना, जब तक कोई आके कंफर्म नहीं करेगा ना मम्मी को चैन नहीं मिलेगा, मम्मी को अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है, पर अड़ोस पड़ोस अगल बगल कोई भी रहेगा ना, टाइम है ना, पहले ही आके आप बैठ गई कैसे चलेगा, मम्मी पहले आके बैठ गई, मम्मी को सबर ही नहीं था। देख लो उधर भी एस, अपना S2 है, रुको जरा अभी ट्रेन रुकी ना, पूछते पूछते हम लोग जाते हैं, अभी पूछती हूँ मैं। घसीटेगी, दे दिया मैंने मेरी माँ को बैग, घसीटी नहीं रही थी, मेरे पे ही छोड़ दिया था सब कुछ, अब घसीट रही है अच्छे से। हमारा है S2, वो साइड आएगा, और भी S5 आया अभी, हाँ S5 S4 धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाना है, खत्म ही नहीं होगी ये लाइन। ये हमारी ट्रेन है और ये मम्मी हम है और ये हमारी पाड़ी हो रही है बेचारी मम्मी को हमारे सामने कौआ है, किधर गया इधर आते रहते, अरे अभी तो कुछ नहीं देखा अपने, अभी तो बच्चे नंगे पुंगे नहाना भी बाकी है मालूम है, यहाँ पे नहीं देखा, हाँ ये भी मैं देखती हूँ बच्चे नंगे पुंगे आराम, मम्मी को भी अभी भी विश्वास नहीं है, ऐसा लग रहा रहेगा आपको कि मम्मी को विश्वास है, मम्मी को विश्वास नहीं, जब तो कोई और आके नहीं क्या, मेरी कोई भी सहेली जीनल हो गई या किरण हो गई आके बैठ जाएंगी ना, तब मेरी माँ के कलेजे में ऐसा ठंडक पड़ेगी, हाश आ गया गया ना। उससे पहले जनरल में मम्मी, हे भगवान मम्मी बस कर अभी, कितना कितना अभी करेगी, 7:30 बजे गाड़ी निकलेगी और सब इधर ही आने वाले, तो क्यों खाई गर्दी करने का, सब इधर ही आने वाले, हमारे सारे दोस्त वगैरह हम सबका एक ही है, किरण का भी एक ही है, वे किधर जाएंगे किधर जाएंगे, इधर उधर सही में ऐसे बाल बांधती ना, खुले रखते, खुले रखने जैसा ही हो गया, इतनी गर्मी लग रही ना, और ये जैकेट का पता नहीं कब उपयोग होगा, पर अभी तो उपयोग नहीं लग रहा है मुझे, उतार दूंगी और बैग में ठूस दूंगी किधर, अभी पहनती हूँ बाद में। को कहा था ना ऐसे लोग नहाते हैं, मम्मी को बोला मम्मी देखो देखो खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ, मम्मी बोलती क्या दिखा रही है, तो मैंने बोला देखो वो आदमी नहा रहा, बोलती क्या सड़ेला चीज दिखा वही ना, ये मेरी माँ देखो, हम दोनों माँ बेटी ना सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जा रहे, फिर सीढ़ी से चढ़ नीचे से उतर के वापस से घूम के आ जाएगी, ये अभी हमारा लेटेस्ट टाइम पास ये चालू है, मुझे लगा चलेगी सीढ़ी पे, मेरी माँ का भी ना अंदर ना एक छोटा सा बच्चा है, हे भगवान पैर की तो हालत हो गई है, अब उतरेगी वहाँ से उतरेगी देखना, कोई नहीं है कोई मतलब नहीं, फिर भी करना है हम लोग को, अंदर का एक बचपना है ना जो कभी जाएगा, देख आएगी अभी अभी सीढ़ी से उतरेगी ना, स्माइल देखना उनके चेहरे पे,
ना उनको वीडियो बनाते मैं देखूंगी ना तो भी स्माइल करिए देखे खसी इधर हाँ इधर से ए रही हाँ हाँ ये रही खाए कर रही है एकदम सही आ रही है आ गई मजा आया वीडियो में रहेगा फिर दादर में है मेरी एक फ्रेंड दादर में और एक फ्रेंड अभी घर से निकली थाना में है तो मेरी मम्मी को कितनी चिंता मम्मी अब कुछ चेंज नहीं पड़ेगा क्या मेरे को ऐसे लोग अच्छे जो बिना टाइम से आते हैं अरे सबसे लेट तो मैं खुद हूँ मैं खुद सबसे लेट आती हूँ मैं होने नहीं दूंगी आप हो ना अभी जाते समय का क्या एक्चुअली कैसा है ना ट्रैफिक की वजह से ना आना पड़ता है वरना अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है ऐसा तो ट्रैफिक की वजह से पर मम्मी को ना वो लोग एक ने सुना ना मम्मी ने घर पे अरे बाप रे ऐसा किया मम्मी ने मम्मी को टेंशन आएगा दोनों जन नहीं आएगी ना मम्मी को बहुत बुरा लगेगा अंदर से कब आएगी और मम्मी को ट्रेन आई है बैठ सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं पर मम्मी क्या करेगी उनका इंतजार करेगी है ना मम्मी उनका स्वभाव मुझे पता है ना इनको ना ऐसा अपने बच्चों पे जल्दी यकीन या विश्वास नहीं होता कोई और आके बोले कि हाँ भाई आप सही हो तो मम्मी को विश्वास होगा हाँ मैं सही हूँ और मैं भी खुद भी ऐसी ही हूँ मैं तो लोगों से पूछ पूछ के जाती हूँ कोई नहीं आया मेरा कोई दोस्त नहीं आया वरना आता ना कोई तो भी मेरी फ्रेंड का अभी जीनल का लड़का आएगा ना छोटा तो उसके लिए चॉकलेट वगैरह है तो उन्होंने साथ में मिल बैठती है तो बोलो चाय वगैरह पी के तो बोली नहीं नहीं कॉफ़ी पी के आए थे इसके लिए थोड़ा पेट एकदम भरा भरा सा लग रहा है ना कॉफ़ी पिया था हमने घर पे से ही और अभी थोड़ा सा पेट खाली हो रहा है हमारा जैसे जैसे होगा ना वैसे खाली हो रहा है तो अभी 5:30 बज गए 7:30 बजे ट्रेन जाने वाली है यही हमारा है S2 हम लोग इसके पीछे अब तक दरवाजे वगैरह बंद है तो हम लोग कोई गया भी नहीं तो हम लोग भी नहीं जा रहे वरना सीट पर बैग वगैरह रख के बंद है मुझे लगा खुला है क्या दरवाज़ा सीट पे बैग वगैरह रख के हम लोग आराम से बैठ जाते बट ठीक है क्या कर सकते हैं अभी कोई गुस्सा नहीं हम घुसेंगे तो थोड़ा सा अजीब ही लगेगा जाओगी मम्मी अंदर अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए ना हमारे मन को इतनी शांति मिली है ना है ना मम्मी सुकून मिला है ना मम्मी को ऐसा लग रहा है हाँ पहुँच गए हम लोग सबसे पहले पहुँच गए सच में शांति नहीं मिलती ऐसा लगता है ना आपको कि नहीं हम लोग ट्रैफिक में थे ना मम्मी को टेंशन आता है मेरे को टेंशन हो रहा है नहीं पहुंच जाएंगे 1-2 घंटा बाकी था ना इसलिए इजी था बट हम लोग ना इतना घूम के आए वहाँ से और जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी थी और वो अंकल ने बोला भी बराबर था कि आप वहाँ से आगे से जाओगे ना कुछ नहीं सीढ़ी उतरने का और एक यही था बस बैग वगैरह नहीं हो तो आप इधर से आ सकते हो बैग वगैरह हो तो इधर से ज़्यादा सही पड़ता है सिर्फ बैग की वजह से अभी तो हम लोग हर्ष के साथ आएंगे तब देखेंगे क्या होता है अभी हर्ष रहेगा साथ में हर्ष को लेने के लिए पहली बार उसकी माँ आ रही है और हर्ष कहाँ है अभी तो यानी कदे पहले की गुली गुली अरे मतलब गुली गुली हर्ष जब बड़ा की वीडियो देखी गाना सोचेगा अरे बाबा मेरे को लेने के लिए कैसे भी तैयारी करती थी बहुत लगेगा उसको मन में देखेगा तो नहीं देखेगा तो क्या पता देखेगा तो कौन सी बड़ी बात है ऐसे करे सब माँ बाप तो करते हैं सब नानी करती है हाँ सबकी नानी करती है पर नहीं सीरियसली माँ बाप जो करते हैं किसी की नानी नहीं करती किसी की दादी भी नहीं करती चल हो गया हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे क्यों बात करना वीडियो में चल मैं रखती हूँ अब मेरे दोस्त आएंगे तो मैं वीडियो चालू करूँगी अभी आपको क्या मिलने वाला है समोसे के अंदर पत्ता गोभी चटनी भी थी इसकी अब चटनी का रखिए पता नहीं जाएगा हम मैं वीडियो बना रही हूँ वैसे मैं तेरे लिए फोटो खींच सकती हूँ ये ले ढेर सारी फोटो बाल कट कर लिया है थोड़ा आगे से अपना ही एक्सपेरिमेंट है ओह माय गॉड पहले तो गंदा पहले तो गंदा रंग लग रहा था अभी थोड़ा ढंग का लग रहा था थोड़ा ठीक दिख रहा है रेवा दे रहा है इतनी शाइनिंग आ रही है
चलो ये अच्छा अच्छा वीडियो बनाती हो, देखा था मैंने, लाइक भी किया था। थैंक यू इसने मेरे को लाइक किया। ये मैडम देखती नहीं, किसी को भाव नहीं देती जल्दी। ओह माय गॉड, नेलपेंट कितनी अच्छी दिखा रही थी नेलपेंट। नहीं नहीं ये हो गई है थोड़ी सी। अरे वो आंटी ने पूरा, आज चौथा दिन है तो मैं 7 दिन तक, पता है ना कुछ कैसे ऐसे मैं लाई हूँ, मैं ठेपला लाई मैं ऐसे खिलाऊंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा तुम लोगों को, तुझे पता मेरे को चलेगा मैं ना, तुझे चलता है फिर तो पाप में खुद ही पापी। अरे भगवान, ये प्रणाम वणाम चल रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये सब सर के ऊपर से जा रहा है। ये मेरे पैर नहीं पड़े तुम्हें, मैं बड़ी हूँ तो ये पड़ेगी कि मैं पढ़ूंगी इसके वाले। बोलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, खुश हो। अभी एक जन आ गई है, अभी एक जब लेते हैं 5 रुपए की लिपस्टिक, हमको डर लगता है मैडम, हमारा पहले से काले कुलूटे होंठ है, तुम्हारे तो ठीक है गुलाबी गुलाबी। लैक्मे 24, 5 रुपए में कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ 5 रुपए में ही मिला है। दिल्ली से? हाँ दिल्ली से, दिल्ली का माल। अभी एक जन आना बाकी है, अभी पब्लिक सब आ रही है। चलो चल, फोटो तो निकाल तू। हाँ, इसका फोटो फोटा पार्ट मैं स्टेटस डालती हूँ ना, पता ना तुझे किधर जाती है। ठीक है, फोटो निकाल। दुकान का है ना, अच्छा लग रहा है अभी। मेरा नाम बोल। हैरी। हेली है, हैरी। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम और ये कहने, ये कहने और ये कौन है? मम्मी, पप्पा, मम्मा, मम्मा। देखो कौन अच्छा लगता है, पापा के मम्मा। एवेन पीछे साइड में देखते रहे। हाँ बोल दिया, क्या लिखा है तूने? हाँ ये देखो, हाँ हम चले खुशियों के सफर पर अपनी जान को लेने। सही है मैडम, सही है ना, अच्छा लिखा है। कितने चॉकलेट खाएगा? दांत अभी देख, टुक 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 जब तोड़ेगी ना मम्मी धागे से खींच के, हाथ से खींच के, तब मैं देखेगी तेरे का, वीडियो बनाएगी तेरा भी। हाँ चुप ही नहीं हो रहा है, खरगोश की तरह चकर 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 चकर। क्या था पिछले जन्म में खरगोश? उसको उसकी जान ना, उसके बाप बैठती इधर है, उसको जब तक उसका पप्पा नहीं आएगा ना, उसका ऐसा ही रहेगा खिड़की पे नजर है ना बेटा। जब वो उपास में दुल्हन के वो करती है चांद को देखने के लिए, करवा चौथ का व्रत करती, चांद को देखने के लिए ढूंढती रहती है, वैसे कर रहा है। वीडियो बना रही, मैं फोटो नहीं ले रही, फिर भी तो चाहती थी फोटो खींच ले। चले आ जाए, खींच ली फोटो, खींच ली। कर रही थी मैं, खा पी लिया, अभी वीडियो बना रही, रात हो गई है मस्त वाली। ये मेरी चप्पा मुझे बोलती है कि ये गावटी दिख रही, गावटी टी-शर्ट है, टी-शर्ट है, क्या है टी-शर्ट? सब खजाने निकलेंगे छोटी सी, इतना सा है, इतना बड़ा अंदर से निकलेगा अभी। सच्ची में ये ऐसा लग रहा है ना, वो देख देख। ये लगा हो गया, लगा दिया मैंने, तभी सही आई है सुन के। सु करना करना जी, नहीं कर दो। अरे छोटी छोटी सी उंगली है इसकी, छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी, छोटी छोटी सी है ना, है ना, छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट। और वो समझदार है, कम से कम हम लोग बोलते हैं तो कहाँ तो वो जाने, ये सच में बहुत समझदार है। हेलो, सिर्फ पापा मम्मी को टॉर्चर करेगा, बाकी किसी को टॉर्चर नहीं करता है ना बेटा। हेलो, मेन टारगेट पापा मम्मी है ना टॉर्चर करने के लिए। कुछ भी बोला, कुछ भी पूछा आए बोलेगा। रात को ना सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम यही हो जाती है कि पूरा अंधेरा हो जाता है और मुझे वॉशरूम जाने के लिए बहुत डर लगता है, सीरियसली। और मैं ऐसी बैठी थी कि कोई उठे तो कोई मैं जाऊँ किसी के साथ में,
देखिए अभी थोड़ा सा उजाला हुआ, उजाला रहता है, बट मैं जा नहीं पाई, मेरे को इतना डर लग रहा था। ठीक है, एक बाद में मैंने मम्मी को उठाया फिर हम लोग गए, बट सीरियसली यार रात के टाइम ना बहुत ऐसा डर सा लगता है मुझे जाने के लिए। ये मम्मी गई थी, मैंने मम्मी को उठाया फिर मैं गई, यार सीरियसली बहुत डर लगता है।